सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं यार एक नए क्वेश्चन के साथ, विच इज सबसेट गिवन अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर एस रिटर्न ऑल पॉसिबल सब। बेसिकली अपने को सारे पॉसिबल सबसेट्स देखने हैं। अभी हम देखेंगे क्या होता है सबसेट, कैसे करना है, प्योर बेसिक से। ठीक है, एलिमेंट मस्ट बी इन नॉन डिसेंडिंग, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। सोल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट सेट्स नहीं होने चाहिए, एंड ऑल द सबसेट्स शुड बी इन असेंडिंग। सबसेट्स भी आपस में असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। एंड द लिस्ट इज़ नॉट नेसेसरी सॉर्टेड, तो अपने को खुद से करनी होगी। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एक बार इसके लिए अपन खुद से ड्राई रन करके और देख लेते हैं कि क्या करना होगा हमें, ठीक है। तो लेट से ये 1, 2, 3 के लिए हमारे पास ये केसेस हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हमें 1, 2 और 3 इनके लिए समहाउ हमको बनाने का है, ठीक है। तो लेट से एक बहुत ही सबसे पहले तो हम ये देखते हैं सबसेट होता क्या है, सब एरे से कैसे डिफरेंट है। आई अज्यूम कि सबको सब एरे पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके सब एरेज़ की बात करूँ तो सब एरे क्या होंगे, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3 और 3, ठीक है। ये इसके सब एरेज़ बोल सकते हो आप, ठीक है। सो विच इज़ 3, 2 एंड 1, ठीक है। एंड अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं तो वो ये सारे होंगे, ठीक है। बट हम इसको कैसे बना रहे होंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ऑल्सो इसकी बेसिकली कितने नंबर ऑफ सब एरेज होते हैं हमारे पास, 3, 2, 5 एंड 6, ठीक है। विच इज़ एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो हमारे पास 6 सब एरेज होते हैं। तो सबसेट का क्या काउंट होता है, सबसेट क्या क्या हो सकते हैं इसमें आप देखो तो 1, 3 भी एक सबसेट है, जबकि सब एरे नहीं होता। बेसिकली हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है, हम वापस नहीं जा सकते। मतलब 2, 1 कोई एक सबसेट नहीं होगा, बट 1, 2 कैन बी, राइट। और इसके अंदर आप काउंट देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 हमारे पास है। तो क्या डिफरेंस है बेसिकली, एक तो ये डिफरेंस हो गया और हम इसको कैसे बना रहे होंगे, ठीक है। तो 1, 3 यहाँ पे दिख रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। 3 ये सेम है और 3 ये सेम है, एक ये एक एक्स्ट्रा। लेट से हम 4 लेंथ की बात कर रहे होते तो क्या होता, तो थोड़ा सा बेटर अपने को समझ में आएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हम देखो कैसे बनाते हैं। लेट से कि हमारे पास ये ना सिर्फ एक लेंथ का था, सिर्फ 1 था, तो लेट्स कंसीडर या तो एम्प्टी होगा या 1 होगा, ठीक है। अब हम 2 लेंथ की बात करते हैं, इन 2 लेंथ की हमको नहीं पता कि ये 3, 4 है या नहीं, ठीक है। तो या तो हम कुछ भी ना इंक्लूड करें, एज इट इज़ रखें, या 2 को इंक्लूड कर लें, 2 को इसके पीछे अपेंड कर देते हैं, 2, 1, 2, ठीक है। 3 के लिए, 3 के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसको एज इट इज़ रख लें, 1, 2, 1, 2, या हम इसके पीछे 3 अपेंड करते, तो क्या बन जाएगा, 3, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3। तो ये सेट ऑफ हमारे पास सबसेट हो गए अगर हम 1, 2, 3 को रखते तो। और तुम देख सकते हो कि हमने ऊपर भी यही सारे कॉम्बिनेशन लिए थे, ये 8 कॉम्बिनेशन थे हमारे पास। आई होप ये चीज़ अब थोड़ी सी बेटर समझ में आ रही होगी कि कैसे सबसेट आ रहे हैं, ठीक है। अब लेट से 1, 2, 3, 4 हमने चारों को इंक्लूड करना है, तो या तो हम कुछ भी इंक्लूड ना करें, एज इट इज़, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। अब हम 4 अपेंड कर दें इसके पीछे, तो 4, 1, 4, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 4 एंड 1, 3, 4, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4। ये सारे उन चार, इन चार के सबसेट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 1, 3, 4 एक सबसेट है, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 4 एक सबसेट है जिसमें 3 मिसिंग है, इसमें 2 मिसिंग था। तो समहाउ मिसिंग हो सकता है, बट हम एक ऑर्डर में ही चल रहे होंगे। और हम कैसे बनाएंगे वो ये है। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हमने देखा 1 लेंथ के 2 कॉम्बिनेशन थे, 2 लेंथ के 4, 3 के 8, इसके 16 हो गए होंगे। इसका जस्ट डबल ही तो हो रहा है, हर बार हम देख रहे हैं डबल हो रहा है। तो बेसिकली 2 की पावर हम हर बार बढ़ा रहे हैं, तो 2 की पावर n सबसेट्स हमारे बन सकते हैं, जबकि सब एरेज कितने थे, n इंटू n प्लस 1/2। आई होप ये एक छोटी सी बात सबको क्लियर होगी कि हम कैसे बना रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे और हम कैसे इसको बनाएंगे अब, ठीक है। वो हम देखना है, अभी वो भी हमें देखना है कि हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे इसकी, बट आई होप इतना क्लियर होगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन पर बात करते हैं। 1, 2, 3 हमने बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, हमने क्या बोला कि हम एक को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा है तो लेट से मैं आता हूँ और मैंने बोला कि यार फर्स्ट पे हूँ मैं, मैंने कहा मैं इसको कंसीडर कर सकता हूँ, सॉरी नहीं करता या कर लेता हूँ, और इसके लिए फर्दर आगे कॉल कर लेता हूँ। लेट से मैंने 1 पे आया, मैंने इसको बोला कि मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा,
फिर मैं इंडेक्स तो बढ़ाऊंगा कि मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे तो जाऊंगा अब, है ना। तो मैं अब मैंने बोला कि मैं फिर से कंसीडर नहीं कर रहा टू को, फिर से मैं थ्री पे आया, मैंने बोला मैं इसको भी कंसीडर नहीं कर रहा। अब मैं इस मेरे पास एक आंसर बन के तैयार हो गया होगा विच इज़ खाली, खाली है, ठीक है। फिर वापस आते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। अभी हमने थ्री को कंसीडर नहीं किया था, लेट से मैंने थ्री को कंसीडर कर लिया, तो थ्री होगा मेरे इसमें, तो मेरा एक आंसर क्या बन गया, थ्री। कूल इनफ आई गेस, इतना थोड़ा बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे जब हम यहाँ पे थे, हमने टू को कंसीडर नहीं किया था, लेट से इस बार मैं टू को कंसीडर कर लेता हूँ, और मैंने बोला कि मैं थ्री को नहीं करता, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, टू। अगली बार थ्री को कंसीडर कर लेता हूँ तो टू थ्री, तो टू थ्री एक बन गया। सिमिलरली, सिमिलरली कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा होगा वन के केस में, कि हमने वन को कंसीडर किया था, है ना, तो वन बना हुआ था, अब नहीं कर रहे टू को कंसीडर, ठीक है, फिर थ्री को कंसीडर नहीं कर रहे तो वन बन गया सिर्फ, फिर थ्री को कर लेंगे। तो आई होप ये चेन थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी आपको कि हम कोड वाइज कैसे करेंगे। देखो देखो, अगर नहीं क्लियर हुई तो हम कुछ ऐसा कर रहे होंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि अपन ने एक फंक्शन बना लिया लेट से f, उसके अंदर हम इंडेक्स भेज देंगे किस इंडेक्स पे हम हैं, ठीक है, और एक एरे भेज देंगे जो अपने को गिवन है, है ना, और एक सबसेट एरे, ठीक है, एक सबसेट एरे जो हम अपना बनाएंगे कि भाई ये एरे है जिसके अंदर अपने को फिलिंग्स करनी है, है ना। तो हम फंक्शन कॉल करेंगे, हमने लेट से फर्स्ट टाइम इंक्लूड नहीं किया, तो हम एरे और सबसेट एज इट इज़ भेज देंगे, तो ये अपने आप क्या मतलब बन गया कि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, राइट। नेक्स्ट टाइम अगर हमें इंक्लूड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसेट में पुश करा देंगे किसको, इस एरे इंडेक्स को। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस नाउ, ठीक है। हमने एरे इंडेक्स को पुश करा दिया, तो यानी कि अब वन इंक्लूड हो गया, वन टू थ्री में पहले वन इंक्लूड नहीं था, अब वन इंक्लूड हो गया, और अब फिर से अब क्या कर देंगे, फंक्शन कॉल करा देंगे आई डी एक्स प्लस वन के लिए, क्योंकि अब मेरा काम तो हो गया ना। देखो इस फंक्शन की डेफिनेशन अपन ने सिंपल बनाई है कि मैं अपना अपने आप को इंक्लूड करूं या ना करूं, मैं अपना काम कर दूंगा, बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, बाकी नेक्स्ट फंक्शन कॉल संभालें, ठीक है। तो मेरा काम अगर हो गया तो मैं अब आगे भेज दूंगा, राइट, ठीक है, और जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को रिमूव भी तो करना होगा, तो सबसेट में से पॉप बैक भी मेरे को ही कराना होगा, ठीक है, क्योंकि हम एज एन एड्रेस भेज रहे होंगे इसको। अच्छा, रुकना कब है, बेस केस तो हमने लगाया नहीं, हमने याद है हमने रिकर्शन के क्वेश्चन में तीन बात करी थी कि अपने को पता होना चाहिए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है लिखने से पहले, दूसरा कैसे रिकर्सिव कॉल्स करनी है, उसका लॉजिकल अप्रोच क्या रहेगी, तीसरा उसका बेस केस। बेस केस अभी नहीं लिखा, एक टाइम के बाद थ्री के बाहर चला जाएगा ये इंडेक्स, है ना। तो अब अगर मेरा, अगर समहाउ मेरा जो इंडेक्स है, अगर जो मेरा इंडेक्स है वो मेरे एरे के साइज़ के ही बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि समहाउ मैं एक आंसर बना चुका हूँ, समहाउ मैं एक आंसर बना चुका हूँ, और आंसर में पुश बैक करके मैं रिटर्न कर दूंगा। इस स्टेप को एक और बार हम देखेंगे, बट आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक जो मैंने वो स्टेप बोला है उसको हम दोबारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लेट से मेरे पास वन टू थ्री था, मैं स्टार्टिंग में जीरोथ इंडेक्स पे था, ठीक है, मैं आया, मैंने अभी, और एरे में भी कुछ नहीं है, ठीक है, जो मेरा सबसेट एरे है उसमें कुछ नहीं है। अब मैं ये नहीं लिखूंगा बार बार, ये सेम ही रहने वाला है, मैं सिर्फ इन दोनों को लिखता हूँ, ठीक है। मैं आया, मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, मैंने जस्ट आगे भेज दिया, ठीक है। फिर से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आगे भेज दिया, ठीक है। फिर से सेकेंड इंडेक्स पे भी हूँ अभी मैं, ये एरे के साइज़ के बराबर नहीं हुआ, मैंने फिर से कुछ नहीं इंक्लूड किया। अब ये जो इंडेक्स है ये मेरे एरे के साइज़ के बराबर हो गए, तो मैं इसको अपने आंसर में डाल दूंगा, यही हमने बात की थी, और अब वापस इससे हम बैक ट्रैक करेंगे रिटर्न करके। अब जो सेकेंड पे वैल्यू है उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा यार, आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस स्टिल, राइट। फिर से वापस आते हैं, फिर से वापस आते हैं यहाँ पर, और थ्री को इंक्लूड कर लेंगे, वापस आते हैं, फिर से वापस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अब कॉल ख़त्म हो चुकी है ना, टू के लिए दोनों इंडेक्स हो चुका है, अब वन पे आते हैं, वन के लिए हम अब इंक्लूड कर लेंगे अब वन वाले इंडेक्स को, तो वन टू, यहाँ पे टू हो जाएगा हमारा इंडेक्स, एक बढ़ जाएगा। फिर से इंक्लूड नहीं करते तो एज इट इज़, और टू को अपने आंसर में डाल देंगे। यहाँ पर आते हैं थ्री, और टू थ्री को अपने आंसर में डाल देंगे, सेकेंड इंडेक्स को इंक्लूड करते हुए ये आंसर बन रहा है, तो टू थ्री, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वापस यहाँ पर वन को हम इंक्लूड अब की बार कर चुके हैं, सो अब फिर से वापस
अब की बार हमने जीरो को इंक्लूड नहीं किया था, लेट्स इंक्लूड जीरो ऑल्सो नाउ, वन और वन अभी आंसर में आ चुका है. नेक्स्ट टाइम वी डोंट इंक्लूड इट, वन वन, अगेन वी डोंट इंक्लूड इट, वन वन, वन आ गया जी, बहुत बढ़िया, सही है. फिर से यहाँ पर टू आएगा, सॉरी यहाँ पे थ्री आएगा, वापस आते हैं टू, अब की बार टू को इंक्लूड कर लेंगे, टू वन और टू आंसर में डालते हैं जी. ठीक है, अपन इंडेक्स का साइज़ बराबर हो गया ना, थ्री हो गया. वापस आए, वापस यहाँ पर आए, इस जगह पे वापस आ गए. ठीक है, और अब की बार हम क्या करेंगे कि हम वो जो फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसको इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, सो हम टू पे आते हैं, सेकेंड इंडेक्स पे, एंड वन और टू को हमने इंक्लूड कर लिया है, फर्स्ट इंडेक्स वॉज टू. ठीक है, फिर से यहाँ पे आते हैं, थ्री पे इंक्लूड नहीं किया, आंसर में डालते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स को इंक्लूड करेंगे तो थ्री होगा, सेकेंड इंडेक्स पे थ्री है, सॉरी फॉर दिस, ये थ्री होगा, हाँ यहाँ पे होगा वन टू, नॉट हियर. ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी. वापस आते हैं इधर से, थ्री पे वन टू थ्री. ठीक है, सो अब वन टू थ्री भी अपने आंसर में डल जाएगा. कितनी वैल्यूज होगी ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जितनी हमको बनानी थी. बेसिकली हर लेवल पे हम उस इंडेक्स के लिए कॉल करा रहे हैं, तो लास्ट इंडेक्स पे जैसे ही पहुंच जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्रिएट होते चला जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर को पुशबैक करा रहे होंगे. आई होप ये चीज़ सबको क्लियर होगी, ये हमारे पास ऑल दी वैल्यूज़ बन रही होंगी समहाउ. ठीक है, सो ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने बनाना सीख लिया सो ये क्वेश्चन बहुत बच्चा सा हो जाएगा आपके आगे. ठीक है, बट अपने को हाँ बस एक चीज़ हमको ये रिमेंबर रखनी है कि हमारे पास ये ऑर्डर में रहे तो हम इसको फाइनली सॉर्ट भी करेंगे. ठीक है, ताकि इन्होंने हमको एज अ सॉर्टेड लेक्सोग्राफिकल सीरीज़ मांगी है. ठीक है, सो वी विल डू दैट. ओके, तो आ जाओ यार, अब इसको ज़रा जल्दी से अपन कोड कर देते हैं, बातें काफ़ी हो गई हैं, है ना. तो वेक्टर और वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ आंसर, एंड हम एक सॉल्व फंक्शन बना लेंगे फिर से जो अपन बनाते हैं, इंडेक्स ज़ीरो पास कर देंगे, एरे भेज देंगे, और एक सबसेट एरे और बनाना पड़ेगा जी, है ना. तो वो बना लेते हैं ज़रा, वेक्टर इंटीजर सबसे. ठीक है, और फाइनली हम लोग आंसर रिटर्न करा रहे होंगे. कूल इनफ, फंक्शन से रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इंट आई डी एक्स एक चाहिए अपने को, वेक्टर ऑफ इंटीजर एक एरे चाहिए, और वेक्टर ऑफ इंटीजर एक सबसेट एरे चाहिए. मैं इसका नाम सब रख दे रहा हूँ. ठीक है, अच्छा अब आते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट्स से कि मैं इंक्लूड नहीं करता हूँ तो हम क्या करेंगे, आई डी एक्स प्लस वन, डायरेक्टली आगे बढ़ जाएंगे, एरे और सब, सिर्फ सब. ठीक है, सबसेट में पुश बैक कराना है अपने को, किसको, अब अगर लेट्स से इसकी कॉल कंप्लीट हो गया तो अब हमें नेक्स्ट कॉल पे जाना है, पुश बैक कराना है किसको, इस एरे इंडेक्स को, राइट. और वन टू, ठीक है, ये कॉल कराने के बाद, मतलब ये पुश बैक कराने के बाद, अब हम कह सकते हैं कि भाई हमने ना करंट वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, तो अब इसको ज़रा आगे पास ऑन कर दो कि आगे जो भी इसको बनाना है. और अब अगर मैंने अपना काम कर दिया तो मैं इसको रिमूव भी करूँगा ताकि ये मेरी आगे की कॉल्स को हैम्पर ना करे. ठीक है, लॉजिक इतना ही है, लॉजिक इतना ही है. यहाँ पर हम करंट इंडेक्स is not included, ठीक है, and here we are including current index is included basically. ठीक है, तो यहाँ पर हम include कर रहे हैं उसको. अब रुकना कब है जी, base case तो बचा है. IDX अगर मेरे array के size के बराबर हो जाता है तो मेरे को अपने answer में एक तो pushback करा देना है, जैसा मैंने tree में दिखाया है ना, pushback करा देना किसको, subset को, अपने को पूरा सबसेट चाहिए, और फाइनली रिटर्न, जस्ट रिटर्न से बात बन जाएगी. अच्छा एक और चीज़, इन्होंने कहा था कि सॉर्टेड अपने को चाहिए, तो क्या पता नॉन सॉर्टेड हो, तो हम पहले इसको ज़रा सॉर्ट करा लेते हैं, और फाइनली भी जब ये सॉर्ट होके आएगा तो कुछ विविड से ऑर्डर में आ जाएगा. जैसे हमने देखा अभी वन टू थ्री, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कुछ अजीब से ऑर्डर में आ रहा था थ्री टू, जबकि हमें कैसे चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए
कि यार ये ऐसे ऑर्डर में आए, पहले वन के सारे स्टेटमेंट्स, फिर टू के, फिर थ्री के, है ना। तो हम लोग इसको ज़रा सॉर्ट भी कर देंगे रिटर्न करने से पहले, ठीक है। तो ये भी अपने को करने को रहेगा, ठीक है। और भाई इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तो ये चीज़ देखो, ये क्या हुआ एक्चुअली, हमने सिक्स इनपुट दिया था, एक्सपेक्टेड ये था, फेयर इनफ हमारे लॉजिक, बट ये क्या आ गया 12 12 13। ये समझ रहे हो, ये वही गलती है कि हमने आंसर को, ये जो ग्लोबल बनाया है, ये मल्टीपल कॉल्स हो रही होंगी और इसलिए इसने शायद पुरानी वैल्यू को रिमूव ना किया हो, उसी में ओवरराइड कर दिया हो। तो हम सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं आके, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अब सही चल गया ना, एंड इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। और हम एक सेकेंड अप्रोच भी देखेंगे, अगर आपको ये ठीक लगती है तो सही है, बट हम सेकेंड अप्रोच भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये था यार, आई होप ये क्लियर है। एक और इसकी अप्रोच है यार, ये ना थोड़ा सा एक ओवरहेड पड़ रहा है इसको सॉर्ट करना, मतलब मुझे नहीं लगता है इसको सॉर्ट करना चाहिए हमको। ये तो देखो ठीक है, ये तो बनता है क्योंकि ये मांग रहा है कि नॉन डिस सॉर्टेड नहीं होंगे, बट फाइनली हमको सॉर्टेड चाहिए। बट लिस्ट को सॉर्ट करना वो हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे, ये देखो। अभी उस अप्रोच को देखते हैं ज़रा। मान लो हमको 1 2 3 गिवन है और फर्स्ट प्लेस पे मुझे पता है कि 1 1 1 2 और 3 आ सकते हैं, राइट। यही तीन तीन ही ऑप्शन है हमारे पास, तो यही तीन ही आ सकते हैं। तो 1 के लिए अगर मैं बाकी दो इंडेक्सेस के लिए कॉल कर दूँ तो बात बन जाएगी, आई थिंक सो, मतलब मुझे ऐसा लगता है। जैसे कहने का मतलब क्या है मेरे, लेट से मैं 1 पे आया, अब मैं बाकी दो इंडेक्सेस के लिए कॉल कर दूँ अगर, तो उससे शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेट से मैंने 1 के लिए कॉल किया, मैंने 1 बनाया यहाँ पर आके, और मैं अपने इसको आंसर में इंक्लूड कर लेता हूँ पहले ही, ठीक है। फिर मैंने अगली बार क्या किया, यहाँ पर 1 2 बनाया, 1 2 बनाया और फिर से इसको आंसर में इंक्लूड कर दिया और नेक्स्ट के लिए कॉल कर दिया, नेक्स्ट इंडेक्स से कॉल करा दिया। अब फिर से 1 2 और 3 मैंने इस इंडेक्स के लिए कॉल किया, यहाँ तक के लिए कॉल किया और इसको अपने आंसर में भी इंक्लूड करा लिया, है ना। अब जब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर चॉइस क्या थी, टेक्निकली मैं इस 2 को निकाल दूँ और 3 को डाल दूँ, है ना। तो मैं यहाँ से एक और कॉल करूँगा, इसको रिमूव करूँगा 1 3, और अब इसको अपने आंसर में इंक्लूड कर लूँ, आंसर में इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। और फिर अब इसके आगे तो मैं कॉल कर ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 1 3 के बाद कुछ बनता नहीं, हमको फ्रैंकली रिटर्न ही कराना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से 1 हमारे आंसर में आ चुका होगा, 1 2 आ चुका होगा, 1 2 3 आएगा और फिर 1 3 आएगा, इस ऑर्डर में चल रहे हैं। क्या यही ऑर्डर नहीं चाहिए था हमें? हाँ यही तो चाहिए था, पहले 1 फिर 1 2 1 2 3 और फिर 1 3। अब देखना 2 के लिए, हमने लेट से पहले 2 बनाया, हमने इसको अपने आंसर में इंक्लूड किया, अब हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 2 3 बनाया, अब हम इसके नेक्स्ट इंडेक्स के लिए कॉल करेंगे और पहले हमने 2 इंक्लूड किया था, फिर 2 3, और अब हम इसके आगे नहीं जा सकते, है ना, ये बात तो क्लियर ही होगी। सिमिलरली हम 3 के लिए कॉल करेंगे, 3 बनाएंगे और उसके आगे नहीं जा सकते, तो हम इसको ऐसे इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली हमारा ऑर्डर क्या रहा, ऑर्डर क्या रहा, पहले हमने इसको इंक्लूड किया, सबसे पहले तो हमने एक्चुअली खाली को इंक्लूड किया, हम सबसे पहले आके खाली को इंक्लूड करेंगे, फिर 2 को, और एक कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है, 3 को। बट अब ये समझ लो कि हम इस ऑर्डर में समहाउ चल सकते हैं अगर हम एक फॉर लूप चला के इसके आगे के इंडेक्सेस पे प्रोसेस करें, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में किया, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। 2 3, फिर 4th इस पे जा रहे हैं, 5th यहाँ जा रहे हैं, 6th 7th एंड 8th। क्या यही ऑर्डर नहीं था? एग्जैक्टली यही ऑर्डर था यार, 1 1 2 1 2 3, ऐसा 3 2 2 3 एंड 3, ठीक है। तो हम कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, तो आओ एक बार उस अप्रोच को और देख लेते हैं एक बार, है ना। इसको यहाँ से निकालते हैं, इसको भी यहाँ से निकालते हैं और इसके नीचे अपन अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। आंसर सेम रहेगा, इंडेक्स सेम रहेगा, एरे और सबसेट भी एज इट इज भेजना ही है ना। ओके सो हम सबसे पहले आके सबसेट को ही पुश बैक करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वही पहला काम करना है, ठीक है। और अब हमें आके फॉर इंट आई इक्वल टू IDX से चलाना है, और कहाँ तक जाना है, लास्ट एलिमेंट तक, ठीक है, एंड आगे बढ़ते चलना है, कूल इनफ। फिर हमें क्या करना है,
सिंपली सिंपली आके सबसेट में इस इंडेक्स को पुश करा लेना है जो ये एरे ऑफ आईएथ इंडेक्स है, ठीक है। और लेट से हम यहाँ पे 1, 2, 3 की बात कर लेते हैं फिर से। तो हमने आके 1 को पुश कराया, सबसे पहले हमने यहाँ से खाली सबसेट भेजा था, हमने आंसर में खाली सबसेट भर लिया, ठीक है। फिर हमने 1 को पुश कराया, ठीक है। अब 1 के आगे कितने कॉम्बिनेशन है वो तुम अपने आप फंक्शन से निकाल के लाओ, ठीक है। तो अब हम IDX प्लस 1 के लिए कॉल करेंगे, नॉट IDX प्लस 1 एक्चुअली, I प्लस 1, ठीक है, क्योंकि अब हमारा ये I जो है हर बार बढ़ रहा होगा, तो I प्लस 1 के लिए, ठीक है। मैंने IF को पुश करा दिए, I प्लस 1 के लिए तुम फंक्शन से कॉल करा के ले आओ, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है। एरे और सबसेट, और आके मैं क्या करूँगा, सबसेट से रिमूव, सिंपली इतना ही काम। तो ये बहुत सिमिलर है उससे, बट जस्ट हमारी फंक्शन डेफिनेशन क्या बदल गई, अब हम हर एक इंडेक्स को फिक्स करा रहे हैं, हर एक इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, जैसे हम जिस IDX पे हैं उस पे हम अपना भर रहे हैं और बाकियों के लिए कॉल करा ले रहे हैं, ठीक है। एक बार इसका ड्राई रन करते हैं फिर एक बार इसको ज़रा रन करके और फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं एक बार ज़रा इसमें हो क्या रहा है। ऑल्दो ये सिमिलर है जो कि लास्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में किया, ठीक है। तो लेट्स से हमने नीचे से खाली भेजा, खाली आके भर दिया होगा, फिर सबसेट में आके हम IDX 0 है हमारा, राइट, IDX इज 0 एज ऑफ नाउ, और ये कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, 3-2 तक जाएगा, आई बेसिकली 0, 1, 2। हमने आके 1 को पुश कराया, नेक्स्ट फंक्शन के लिए कॉल कर दिया, आते ही नेक्स्ट फंक्शन के लिए कॉल कर दिया, ठीक है। अब IDX की वैल्यू क्या होगी, 1, और हमने आके यहाँ पे पहले ही पुश करा दिया, यानी कि 1 को पुश कराया। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे आके क्या डाल देंगे, 2, राइट, IDX 1 है, 2 पुश कराया, फिर से फंक्शन कॉल 1, 2, फिर से दोबारा से यहाँ पे आए, 3 को पुश कराया, फंक्शन कॉल 1, 2, 3, ठीक है। अभी हम यहाँ पर हैं और IDX की वैल्यू हो चुकी है अब क्या, 3, ठीक है, हमने 3 को पुश कराया होगा, I प्लस 1 किया होगा, तो IDX 3 हो गया होगा, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, अभी कुछ नहीं करना, ये जाएगा ही नहीं इसके अंदर, I लेस देन एरे साइज है ना, जस्ट रिटर्न, सिंपली रिटर्न हो जाएगा। और सिंपली रिटर्न का मतलब क्या है कि हम वापस से अपने पेरेंट कॉल पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने 3 को इंक्लूड किया था, और अब आके 3 को कर देंगे क्या, रिमूव, 3 हो गया रिमूव, वापस आएंगे और IDX भी ख़त्म, फिर से वापस आ जाएगा अपने कॉलर पे जहाँ पे 2 को इंक्लूड किया था, ठीक है। फिर आके क्या करेगा, 21 लाइन पे से रिज्यूम होगा, 2 को रिमूव करेगा, और 2 को रिमूव किया ना, पॉप बैक किया, फिर ये जाएगा आई इक्वल टू 2 पे, ठीक है, और 3 को डालेगा। अब क्या हो गया, 1, 3 और I प्लस 1, यानी कि I, देखो अब यहाँ पे एक्चुअली I प्लस 1 का यूज समझ में आएगा। अब हमारा I क्या है, I हमारा हो चुका है 2, क्योंकि हमने 3 को इंक्लूड किया, IDX यहाँ पे क्या था, 1, ठीक है। अब हमें किसके लिए कॉल करना है, नेक्स्ट मेंबर के लिए, जो कि होगा थर्ड मेंबर, ठीक है, I इक्वल टू 3, तो हमने I इक्वल टू 3 के लिए कॉल किया, इंक्लूड किया इसको 1, 3, और अब ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन इसके बाद कोई मेंबर ही नहीं है 3 के बाद, है ना। तो अब हम सिंपली वापस चले जाएंगे अपने इस फंक्शन कॉल पे, 3 को रिमूव करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं बचा, वापस आ जाएंगे जहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक बार साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और अभी हमने 1 बचा है अभी हमारा, ठीक है, 1 वाली कॉल पे हैं अभी हम, 1 अभी बचा है। इसके बाद हम जब वापस यहाँ पर आए, जब 1 बचा हुआ था, फिर हम इसको भी रिमूव करेंगे और अब 2 से फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। IDX 0 था, ठीक है, I स्टार्टिंग में 0 था, 0 के लिए हमने सारे बना लिए, अब I इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब I इक्वल टू 1 जैसे होगा, हम 2 को पुश कराएंगे, सिमिलर टू व्हाट इज हैपन, 2 के लिए कॉल, 2 पुश होगा, फिर 2, 3 पुश होगा, ठीक है, फिर हम 3 को रिमूव कर रहे होंगे, फिर 2 को रिमूव करेंगे, नेक्स्ट टाइम 3 आएगा, 3 को डालेंगे, एंड सेम गोज ऑन, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है, एक बार हम इसको ज़रा चेक भी कर लेते हैं कि ठीक भी किया है या बस ऐसा ही है। ऑल्दो लॉजिकल वाइज जो हमने किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लॉजिक हमारा सही था, सॉर्ट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, बट इस सॉर्ट की डेफिनेटली ज़रूरत रहेगी, ठीक है। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, कूल इनफ, ठीक लग रहा है। ऑल्दो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में किया, वहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग थी, यहाँ पे हमने एक ही उसको बार बार यूज़ किया है, सेम इंडेक्स को।
ठीक है, आई होप दोनों अप्रोचेस समझ में आई होंगी, बट जो फर्स्ट वाली अप्रोच है मैं उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वो थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा आती है उसमें। बट चूंकि अपने को एक ओवरहेड था यहाँ पे एक शॉर्ट का, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने एक काम किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n रहेगी, क्योंकि 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें कोई कंस्ट्रेंट गिवन नहीं है, बट हाँ 2 की पावर n इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी। एंड या दैट्स इट, आई होप ये समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो पूछना है, इंस्टाग्राम लिंक्डइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय।